में साल न बिगड़े चुनी हनी मन सरकार, चुनी हनी मन सरकार, भैया बना ला आपन बिहार, खाई के मगही अपन, चल भैया देखे बिहार चुना। सुबह के 7 बजे हैं, नमस्ते, मैं राशिद। बिहार में 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर ठीक 2 मिनट के बाद वोटिंग हो जाएगी शुरू, और जैसे ही वोटिंग शुरू हो जाएगी आपको ये बताएंगे 1204 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि ये आखिरी चरण का चुनाव है, एक ऐसा चुनाव जो सीमांचल तक आ पहुंचा है, तिरहुत तक आ पहुंचा है, मिथिलांचल तक आ पहुंचा है, और यही कहा जा रहा है कि सीमांचल से लेकर के मिथिलांचल तक ये देखा जाएगा कि आज असल में जब किस्मत दांव पर लगी हुई है तो ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के लगभग एक दर्जन मंत्रियों की किस्मत का भी फैसला यहीं पर होना है, शरद यादव की बेटी की किस्मत का फैसला यहीं पर होना है, सुशांत सिंह राजपूत के भाई की किस्मत का फैसला यहीं पर होना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सन ऑफ मल्ला यानी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में होना है। बड़ी और उससे भी बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार ने अपना अंतिम दांव चल दिया है, हर कोई इमोशनल कार्ड खेलने में लगा हुआ है, इमोशनल कार्ड जहां पर नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि अंतिम चुनाव है और अंतिम चुनाव में मेरा साथ देंगे ना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी भी लिख दी है, यानी 15 जिले 78 विधानसभा सीटें, बिहार चुनाव का आखिरी राउंड, बिहार में अंतिम चुनाव का रण, 15 जिले 78 सीटें। इससे पहले कि मैं पहली ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाऊं, आपको यह बताना जरूरी है कि टीवी स्क्रीन आपको किस तरीके से डिफाइन करके और रिफाइन तरीके से बिहार इलेक्शन का एक एक अपडेट देगी। मेरे दाईं तरफ यहां पर आप देखें जहां पर आपको एक एक सीट का हाल पता चलेगा कि कहां पर क्या चल रहा है, और नीचे जितने भी अहम मुकाबले हैं आपको पता चलेगा, जिसे खिड़की में एक विंडो में मैं नजर आ रहा हूं, वहां पर मेरे साथ देश के जाने माने पैनलिस्ट जुड़ेंगे, और इसके अलावा आपको ग्राउंड जीरो भी लेकर के चलेंगे मेरे सहयोगी शुभ्रा सुमन के पास, राकेश कुमार सिंह के पास। लेकिन उससे पहले सुबह 7 बजे की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर यह है, आखिरी चरण का मतदान शुरू हो गया है बिहार में, 15 जिलों की 78 सीटों पर वोटिंग हो गई है शुरू, 78 में से 24 सीट पर मुस्लिम वोटर्स बहुत निर्णायक भूमिका में हैं, जेडीयू 37 सीट पर लड़ रही है, बीजेपी 35, आरजेडी 46 सीट पर लड़ रही है चुनाव, 10 नवंबर को आ जाएंगे नतीजे, तो तीसरे चरण में 78 सीटों के लिए 1204 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होने जा रहा है, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, विनोद नारायण झा, रमेश ऋषिदेव, इन सभी की किस्मत दांव पर लगी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पोलिंग बूथ की क्या तैयारी है, और कतार लगनी शुरू हो गई है, अभी पोलिंग बूथ की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, और देखें एक इसी तरह का ये समस्तीपुर का पोलिंग बूथ है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, इसे इंश्योर करने के लिए गोल गोल घेरे बनाए गए हैं 6-6 फीट की दूरी पर, ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना के संक्रमण काल में भारत का ये सबसे बड़ा चुनाव है, और कोरोना के संक्रमण काल में यह भी कहा जा रहा है कि बिहार जो मैंडेट तय करेगा इसी के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में भी यह पता चल जाएगा कि असल में एनडीए कितना मजबूत है, या महागठबंधन का उभार क्या वाकई में होने वाला है। और बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने भी अंतिम दांव चल दिया है, तेजस्वी यादव भी पूरी तरह से अपना फोर्स लगाए हुए हैं, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जहां पर आपको यह नजर आ रहा है कि लोग सुबह के 7 बज गए हैं, कतार लोगों ने लगा ली है, बिहार में अंतिम चरण का यह चुनाव है, अंतिम चरण के चुनाव में तीसरे और आखिरी दौर के लिए मतदान हो गया है शुरू, उससे पहले तेजस्वी और चिराग दोनों ने जीत के अपने अपने दावे किए हैं। मत का प्रयोग करें, सब लोग घर से निकलें और वोटिंग करें, लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदार बने, और आप जानते हैं कि बिहार जो है अपने भविष्य को लेकर के फैसला लेने का काम करेगी, और जहां तक पहले दो चरणों की बात अगर कहें तो दो चरण जो है लगभग एक पक्ष मतदान हुआ है, लगभग हम लोगों को 2/3 की ओर जो है बिहार अब तीसरे फेज में बढ़ रहा है, तीसरे फेज में 2/3 की ओर बढ़ रहा है, तो जो बदलाव की जो गंगा का जो बिहार था अब गंडक और कोसी का भी वही हाल है। दो चरण गए, पूरी उम्मीद वैसे ही है कि उसी तरीके से इस चरण में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पिछले दो चरण में उनको भी अच्छी बढ़त मिली, और लोक जनशक्ति पार्टी जिस तरीके से हम लोग को जानकारी सामने आई और हम लोग के प्रत्याशियों का जिस तरीके से दो चरण में प्रदर्शन रहा, पूरी उम्मीद करता हूँ कि उससे बेहतर प्रदर्शन ही हम लोग का तीसरे चरण में भी होगा। खुद गया हूँ, जमीन पर गया हूँ, अकेला
पार्टी के लिए मैंने मेहनत की है, तो जो जानकारी जिस तरीके से सामने आ रही है, जिस तरीके से लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ जुड़ रहे हैं, तो विश्वास है कि इस चरण में भी प्रदर्शन हम लोग अच्छा रहेगा। अभी चिराग पासवान के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर उन्होंने एकला चलो की राह अख्तियार की है, अगर सीधे तौर पर उन्होंने जेडीयू को चुनौती दी है और सीधे तौर पर नीतीश कुमार को चैलेंज देने में चिराग पासवान रहे हैं, तो उन्हें यह भी तय करना पड़ेगा और उनकी राजनीति इस बार के चुनाव में यह तय कर ले जाएगी कि दलित वोट बैंक को साधने में क्या अपने पिता की तरह या अपने पिता की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे हैं या फिर नहीं। और तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी बात यह है, तेजस्वी ने युवा बिहार का नारा दिया है। तेजस्वी ने यह कहा है कि जितने प्रवासी मजदूर हैं जिनके लिए नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, रोजगार की बात तेजस्वी ने की है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या तेजस्वी नीतीश कुमार के सामने बड़ी लकीर खींच पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन बिहार में सीमांचल और मिथिलांचल ही सरकार तय करते हैं। समझा जा सकता है कि तीसरे चरण का चुनाव सभी पार्टियों के लिए कितना अहम है और इसलिए सीएम नीतीश कुमार ने इमोशनल दाव चला कह दिया कि यह उनका आखिरी चुनाव है। और जब मुख्यमंत्री पूर्णिया में एक रैली कर रहे थे जहां उन्होंने कहा कि इस चुनाव के बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, नीतीश कुमार ने बहुत ही इमोशनल अपील करते हुए कहा अंत भला तो सब भला। भाइयों का भी दायित्व है, बच्चों का भी, बच्चियों का भी दायित्व है, सब लोग मिलकर के एकजुट होके तीर छाप के बगल का बटन दबा करके लेसी सिंह को भारी मतों से विजयी बनाइएगा, यही हम निवेदन करने आए। और जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नीतीश ने इमोशनल कार्ड खेल दिया है, नीतीश ने पूर्णिया की रैली में ये कह दिया अंत भला तो सब भला, अंतिम चुनाव है ये मेरा और इसीलिए आप लोगों को साथ देना होगा। लेकिन बिहार की जनता के नाम जो प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी है ये भी अपने आप में बड़ी खास है। और प्रधानमंत्री ने चिट्ठी में ये कहा कि 15 साल लोगों ने जंगल लाज दिया है, लेकिन 15 साल जिस तरह से एनडीए ने शासन किया है, 15 साल जिस तरह से नीतीश कुमार ने शासन किया है, बिजली सड़क पानी रोटी कपड़ा मकान के लिए बहुत कुछ एनडीए ने संकल्प वाली सरकार दी है और इसीलिए संकल्प वाली सरकार के साथ आपको दोबारा से आगे बढ़ना है। मेरे साथ में जुड़े हुए हैं अजय अरोड़ा, कांग्रेस के नेता हैं और मेरे साथ में हैं इसके अलावा अंशुमन मोहन जो कि आरजेडी के नेता हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ब्रिजेश पांडे भी इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ थोड़ी देर के बाद में जुड़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम रुख कर लेते हैं। अजय अरोड़ा मेरे साथ में है क्या? अजय अरोड़ा है और हाँ हाँ अंशुमन मोहन को भी टीवी स्क्रीन पर उतारा जाए। अजय अरोड़ा जी, कहा यह जा रहा है कि इस चुनाव में कांग्रेस के लिए भी बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है और कहा यह भी जा रहा है कि अगर महागठबंधन की जीत होती है तो नीतीश के सामने लंबी लकीर खींची जाएगी या फिर नहीं, यह भी पूरी तरीके से तय हो जाएगा। लेकिन आपसे पहले राहुल गांधी बहुत तुकबंदी करने लगे हैं, 2 दिन पहले ही जितने भी ट्वीट किए हैं बड़ी तुकबंदी चल रही है, यह तुकबंदी के पीछे का राज क्या है? देखिए जहां तक आपने बोला अगर महागठबंधन जीतने जा रहा है, ये सेकंड फेज में ही आभास हो गया था। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने बोला मेरा आखिरी चुनाव है, कहीं ना कहीं उन्हें पता लग गया कि बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के मजदूर और बिहार के व्यवसायी कितने परेशान है उनसे। तो अब ये तय हो गया, बिहार की जनता ने तय कर दिया कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नहीं, आपने ये कहा कि बिहार की जनता ने तय कर दिया है कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बताया है, उन्होंने चिट्ठी में यह कहा कि जंगल राज दिया गया, प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया, नीतीश कुमार की तरफ से इमोशनल कार्ड खेला गया है और कहा यह भी जा रहा है कि सीमांचल में सबसे ज्यादा आप लोगों को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि आप लोगों को सीमांचल से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, सीमांचल में मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज्यादा है, तो वहां पर आपको जेडीयू से भी लड़ना है, बीजेपी से भी लड़ना है और असदुद्दीन ओवैसी से भी लड़ाई लड़नी है आपको। हम हर लड़ाई के लिए तैयार हैं और बड़ी मजबूती से हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं और आज लड़ रहे हैं। तो ना हमें ओवैसी से डर है, ना हमें बीजेपी से, ना जेडीयू से, और महागठबंधन ने बड़ी तैयारी की है
और जो जनादेश मिला है आप देखिए किस प्रकार से महागठबंधन के हमारे राहुल गांधी जी जब जब मीटिंगों में गए लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों ने साथ दिया, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि परिवर्तन होने जा रहा है और नीतीश बाबू कुशासन बाबू की विदाई तय है। हाँ, अच्छा आप कह रहे हैं कि सुशासन बाबू की विदाई तय है। कुशासन, ये कुशासन रखा है नाम इनका मैंने। अच्छा कुशासन बोल रहे हैं आप, ठीक है ठीक है, आपने अपने दावे के साथ आप बने रहे। अंशुमन मोहन भी मेरे साथ आरजेडी के नेता जुड़े हैं। अंशुमन मोहन जी, तेजस्वी कहते हैं सरकार बनाएंगे, तेजस्वी सोचते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन दरभंगा में जेपी नड्डा ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, सुनिएगा आप। दरभंगा में जेपी नड्डा कहते हैं अब बिहार में लालटेन युग से निकलकर एलईडी युग में जा रहा है, बाहुबल से निकलकर विकास बल की ओर जा रहा है, लूट राज से निकलकर डीबीटी की ओर जा रहा है। और साथ ही यह भी कहा लाठी रैली बुलाने वाले कहते हैं कानून का राज लेकर के आएंगे, ये लाठी भाजन रैली पर थर्ड फेज में आप लोग क्या जवाब देंगे जनता को? जेपी नड्डा ने कहा है आप लोग तो लाठी भाजन रैली निकलवाया करते थे 15 साल से, अभी तक अगर ये लोग दंगल राज की इतने समय से बात करते हैं तो इनसे पूछना चाहिए कि इन लोगों ने पिछले 15 साल से बिहार का क्या हाल बना रहे। आज देश का युवा जानता है, आज देश का युवा देख रहा है और नीतीश कुमार से सब लोग अभी त्रस्त हो चुके हैं, नीतीश कुमार के रवैये से सब लोग जानते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने सरकार चलाई है, एनडीए की जो सरकार रही है। आज दारूबंदी के नाम पे जिस तरह से इन लोगों ने दारूबंदी करवाया और दारूबंदी के नाम पे जो 300 का माल मिलता था वो 1300 का ये लोग बेचने का काम करते हैं और डायरेक्ट पार्टी फंडिंग में ये लोग डालते हैं। और किसान मजदूर शिक्षक संघ सब बिहार के अंदर त्रस्त हैं, सब लोग आवाज समय पर समय उठाते हैं लेकिन नीतीश कुमार की सरकार उस पर कुछ नहीं कहती है, बस चुनाव भर आता है तो ये लोग बाहर से एक अकेले तेजस्वी यादव के लिए ये लोग पूरे प्रधानमंत्री खुद ही उतर रखे हैं। देश का युवा समझ रहे हैं, बिहार का युवा खास करके अभी जग रखे हैं, हम लोग ने जहां जहां घूमे हैं इतने समय में जहां घूमे हैं तो यहां पे अभी जिस तरह से नीतीश कुमार जी का बयान आया बौखलाहट में, इन लोगों का बयान जिस तरह से आ रहा है पर्सनल, ये एनडीए सरकार वही है जिनने जेपी नड्डा ने जिनने हमारे ऊपर कमेंट किया है, ये सरकार वही है जो पिछले चुनाव लोकसभा में जगह जगह लवली आनंद जी को घुमा के लवली आनंद जी के नाम पे वोट लेने का काम कर रहे हैं। और आज जब हम लोग एनडीए का विरोध कर रहे हैं तो ये लोग क्रिमिनल कहते हैं हम लोगों को, हम लोगों को ये मीडिया के द्वारा मैनेज करके सारे जगह अभी ये लोग प्ले करने लग गए कि, और अभी लगभग 6-7 महीने पहले नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री का ये बयान था अपने मन से खुले मंच से, जब ये महाराणा प्रताप का राजपूत वोट लुभाने के लिए कार्यक्रम रखते हैं तो ये लोग खुले मन से बोलते हैं कि हमारे पुराने साथी रहते हैं, और जब विरोध करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि क्रिमिनल है बाहुबली है। ठीक है ठीक है, एक काम कर लेते हैं, एक बार ग्राउंड जीरो पर भी चलते हैं। पूर्णिया से लाइव शुभ्रा सुमन जुड़ी हुई हैं। शुभ्रा, अभी पूर्णिया से आप क्या जानकारी दे सकती हैं, चूंकि 7:13 हो चुके हैं, 12:13 हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है शुरू, तस्वीरों के जरिए आप क्या दिखा सकती हैं, अभी क्या चल रहा है? देखिए राशिद, वोटिंग बिल्कुल शुरू हो चुकी है, मैं अपने पीछे दिखाना चाहती हूँ कि लोग आना शुरू हो गए हैं यहाँ पर, हालांकि अभी बहुत संख्या में लोग आपको नहीं दिखेंगे जैसा कि पिछले 2 फेजेस में भी हमने देखा, लेकिन पूरे इंतजाम है। ये पूर्णिया का शिक्षा विभाग है, शिक्षा भवन है जहां पर ये बूथ लगाया गया है और तमाम इंतजामों के साथ आप देखिए जो व्हाइट सर्कल दिख रहा है हमेशा की तरह फिर से एक बार कोरोना से बचने के लिए व्हाइट सर्कल्स बनाए गए हैं ताकि बस एक मिनट के लिए शुभ्रा सुमन आपको एक मिनट के लिए रुकना पड़ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, ट्वीट को तुरंत ही ब्रेक किया जाए। प्रधानमंत्री ने यह कह दिया है कि लोकतंत्र के महापर्व में ज्यादा से ज्यादा आप लोग हिस्सा लें, हालांकि प्रधानमंत्री ने बिहार में 3रे दौर के मतदान पर यह प्रधानमंत्री का ट्वीट है, लोकतंत्र के पर्व में भागीदार बने ये प्रधानमंत्री ने कहा है, लोकतंत्र के पर्व में वोटिंग का नया रिकॉर्ड आप लोगों को बनाना है ये भी प्रधानमंत्री ने कहा है। प्रधानमंत्री ने चूंकि अभी लगभग 48 घंटे पहले बल्कि बिहार की जनता के नाम चिट्ठी भी लिखी है और ये अब ये ट्वीट करके कहा है लोकतंत्र के पर्व में आपको भागीदार बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इससे पहले फर्स्ट फेज के दौरान भी सेकंड फेज पर भी लगभग सुबह 7 से 8 बजे के बीच ये ट्वीट किया था और लोगों से ये कहा था कि लोकतंत्र के महाजलसे में हर एक वोट बहुत जरूरी होता है। और दोबारा से मैं गेस्ट के पास में जाऊंगा, ग्राउंड जीरो पर शुभ्रा सुमन के पास भी जाएंगे। मैं सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल की इस बार की लड़ाई है, 15 जिले हैं, 78 सीटें हैं, मेरे दाईं तरफ जितना भी आपको एक एक सीटों के बारे में ये पता चल रहा है कि उसकी डिटेल हम ये दे रहे हैं।
कि जितने भी 15 जिले हैं 78 सीटें हैं इसकी एक एक डिटेल आपको ठीक मेरे दाईं तरफ मिलेगी, नीचे की तरफ जितने हैं मुकाबले हैं आपको बता रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से हमें तस्वीरें दिखानी चाहिए क्योंकि 20 मिनट हो चले हैं, वोटिंग के 20 मिनट हो चले हैं और एक ऐसे वक्त में जबकि नीतीश कुमार ने यह कह दिया है कि अंतिम चुनाव है, वहीं देखें आप कई वोटर्स ऐसे हैं जो वोट देने के बाद सुबह सुबह ये बता रहे हैं कि देखिए हमारे लिए जलपान बाद में है, पहले मतदान है। प्रधानमंत्री ने भी अपील कर दी है कि लोकतंत्र के महापर्व में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें और रिकॉर्ड वोटिंग करके ये दिखाएं कि हाँ हिंदुस्तान कितना मजबूत लोकतंत्र है। और आप ये भी देखें मुस्लिम समुदाय के भी कई लोग हैं और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था सीमांचल में आप अररिया चले जाएं, आप पूर्णिया चले जाएं, आप कटिहार चले जाएं, इन सभी के बारे में ये कहा जाता है कि यहां पर मुस्लिम वोट बैंक बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। अब दो तस्वीरें देखें आप, एक तरफ तो लंबी लंबी कतार सुबह ही लग गई है और ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड फेज में इस तरह से नजर नहीं आया था, लेकिन थर्ड फेज में जितनी लंबी ये कतार लगी हुई है इसके जरिए ये समझ में आ रहा है कि हाँ लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और दाईं तरफ आप देखें जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित किया जा सके, गोल गोल घेरे में लोगों को खड़ा किया गया है, 6-6 फीट की दूरी बनाकर ताकि कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन हो सके। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, हर एक जगह की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। बाहर न जाए कमाए 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 घर में मिले रोजगार, बेटा बाहर न जाए कमाए 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 घर में मिले रोजगार, बीए एमए में साल न बिगड़े। साल न बिगड़े चुनी हनीमन सरकार, चुनी हनीमन सरकार, भैया बना ला आपन बिहार, खाई के मगही अपन, चल भैया देखे बिहार चुना देगा कि 10 नवंबर को एक अणे मार्ग पर किसका ठिकाना होने जा रहा है, यानी मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या दोबारा से नीतीश बाबू यानी सुशासन बाबू मुख्यमंत्री के पद पर काबिज होंगे। और तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले चूंकि नीतीश कुमार ने यह कह दिया है कि यह मेरा आखिरी चुनाव है, तो आखिरी चुनाव में नीतीश कुमार का साथ कितना देगी बिहार की जनता। और हाँ याद रखिएगा ये सीमांचल का चुनाव है, ये मिथिलांचल का चुनाव है, ये कोसी का चुनाव है, जहां पर सीमांचल जहां पर मुस्लिम प्रभुत्व का इलाका है, मिथिलांचल जहां पर कहते हैं कि मैथिली ब्राह्मण अगर चाहें तो फिर किसी की भी नैया डोल सकती है, किसी की भी किस्मत बदल सकती है। लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि बिहार चुनाव में तीसरे और आखिरी दौर की वोटिंग जारी है, पिछले 30 मिनट से वोटिंग जारी है, 15 जिलों की 78 सीटों पर जारी है वोटिंग, 1204 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला, 78 में से 24 सीट पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हैं, जेडीयू 37 बीजेपी 35 आरजेडी 46 सीट पर लड़ रही है चुनाव, 10 नवंबर को आ जाएंगे नतीजे। बैक टू बैक अगली बड़ी खबर, बिहार में तीसरे दौर के मतदान पर पीएम मोदी ने किया है ट्वीट, लोकतंत्र के पर्व में बने भागीदार, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाए, पीएम ने यह अपील की है कि वोटिंग के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए। पैनल को लेकर के आए टीवी स्क्रीन पर अब पूर्णिया से शुभ्रा सुमन को जल्दी से जल्दी जुड़े जितना जल्दी हो सके। आरजेडी नेता तेजस्वी ने भी हालांकि वोट की अपील की है, ट्वीट करके लिखा है बदलाव उफान पर है, नए दौर में नए बिहार के लिए मतदान आपको करना है। इंट्रोड्यूस कर दें जो भी गेस्ट मेरे साथ में हैं, अजय अरोड़ा कांग्रेस के नेता हैं, आनंद कुमार झा बीजेपी नेता, अंशुमन मोहन आरजेडी नेता, सईद अफजल अब्बास जेडीयू का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सईद अफजल अब्बास के पास मुझे सबसे पहले जाना चाहिए। सईद अफजल अब्बास, नीतीश कुमार ने कहा कि यह मेरा अंतिम चुनाव है, नीतीश बोले अंत भला तो सब भला, और चिराग पासवान तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश टायर्ड भी हो गए हैं और रिटायर्ड भी हो गए हैं। क्या नीतीश थक गए हैं क्या? आखिरी चरण के चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने सरेंडर क्यों कर दिया? सईद अफजल अब्बास क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? सईद अफजल अब्बास की आप तक आवाज आ रही है? आनंद कुमार झा के पास में चलते हैं। आनंद कुमार झा जी, अगर नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है चिट्ठी, प्रधानमंत्री ने यह कह दिया है कि हाँ 15 साल जंगल राज रहा लेकिन हमने 15 साल बिहार का विकास किया है, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि संकल्प वाली हमने सरकार दी है, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि पूरे बिहार को बदल करके रख दिया है, लेकिन नीतीश का सरेंडर कर जाना, नीतीश का यह कह देना कि अंतिम चुनाव है, क्या यह माना जाए नीतीश थक गए हैं, या ये माना जाए कि नीतीश को समझ में आ गया है कि पर्दे के पीछे से बीजेपी ने पहले ही खेल कर दिया है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं राशिद जी कि पहले के वातावरण जो थे
उसमें मीडिया कर्मी कोई भी बात उठा नहीं सकते थे। आज मीडिया कर्मी और आप जैसे सजग व्यक्ति बिहार के मसले को उठा पा रहे हैं। अभी भी हमारे आरजेडी के मित्र कह रहे थे कि हमको क्रिमिनल बनाया जा रहा है मीडिया के माध्यम से। आप स्वयं के दोष को नहीं अपने ऊपर में लेते हैं, और हालांकि इनके नेता स्वयं के दोष को लिए हैं कि जो गलती हुई वो माफी चाहता हूं, लेकिन स्वयं के दोष को वो ये लोग अपने ऊपर ओन नहीं करते हैं और मीडिया के बंधुओं को दोषी ठहराते हैं। दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि नीतीश जी ने सब चीज की एक आयु होती है। कोई अगर रिटायरमेंट की बात करता है कि ये अंतिम चुनाव है, तो इसका तात्पर्य ये है कि वो सत्य पर में है और जनता से स्नेह करते हैं। इसका तात्पर्य ये कहीं पर भी नहीं है कि हम सरेंडर कर गए हैं। सरेंडर करने का तात्पर्य ये होता है कि हम दोषी हैं और हम दोष को ओन करते हैं, हमको माफी दे दीजिए। ये हुआ सरेंडर की भाषा। नीतीश जी को जनता से स्नेह है। माननीय नीतीश जी ने इसीलिए बिहार और बिहार की जनता को अपनी अभिव्यक्ति मतलब अपनी बात व्यक्त किया है कि हमारा ये अंतिम चुनाव है, और आयु भी जो है हम लोगों ने एक निर्णय पहले हमारे दल और हमारे एनडीए के लोगों ने लिया था कि अभी कितनी आयु हुई है, अभी तो सत्तर बरस के भी नहीं हुए ना, 69 साल के ही तो हैं भाई। 5 साल के बाद 74 साल के हो जाएंगे। 74 साल कोई ऐसी उम्र थोड़ी होगी, अगली बार फिर से लड़ लेंगे। कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार असल में थके हैं। बीजेपी ने जो पर्दे के पीछे से चिराग पासवान ने खेल कर दिया है, यही एक वजह है कि नीतीश कुमार थक गए हैं। और बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के साथ में एक वैचारिक लड़ाई भी तीसरा चरण आते आते नजर आ गई है। आप माने चाहे ना माने, आनंद कुमार झा जी, नीतीश कुमार के साथ में एक वैचारिक लड़ाई भी सामने आ गई है। मैं आगे इसका जिक्र करूंगा, लेकिन सईद अफजल अब्बास जुड़ गए हैं। क्या सईद अफजल अब्बास मुझे सुन पा रहे हैं? सईद अफजल अब्बास जी, नीतीश कुमार ने रिटायरमेंट की घोषणा थर्ड फेज से पहले क्यों की? कोई इमोशनल कार्ड खेला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में कह देंगे कि मेरे शब्द का मतलब तो कुछ और था, या ये कह देंगे कि मेरे शब्द का मतलब तो ये था कि आखिरी चरण में चुनाव पहुंच गया था तो हमने ये कह दिया कि भैया आखिरी चुनाव है? दो पहलू। एक पहलू तो बिल्कुल सही है कि आप ये कह रहे हैं कि कहा जा सकता है कि ये आखिरी चुनाव है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आखिरी दिन था, आखिरी चुनावी सभा था, उसमें उन्होंने कहा कि ये अंतिम चुनाव, ऑल इज अंत भला तो सब भला। हर आदमी कहता है सारे जंग जीतने के बावजूद भी आखिरी जंग नहीं हारना चाहिए, तो इस कहावत को चरितार्थ करने कहा कि अंत भला तो सब भला। सब तो दो फेस का हो चुका है, आखिरी सभा है, एक ये पहलू है। दूसरे ये पहलू है कि आप जो आप कह रहे हैं कि 69 के हो चुके हैं 74 साल की उम्र में, नहीं, एक तीसरा पहलू भी है। और तीसरा पहलू यह है कि नीतीश कुमार टायर्ड भी हो गए हैं, रिटायर भी हो गए हैं। अभी आप कह सकते हैं, क्योंकि आप इनकी भाषा क्या नाम है, चिराग पासवान की भाषा, जो एसी के बंद एसी बैठ के राजनीति करना चले उनकी भाषा आप बोल रहे हैं, तो ठीक है। देखिए जनता है, पब्लिक है, सब जिसको बोलने का हक है, तो काम करते हैं ना, पब्लिक के बीच एक बार चलते हैं। मेरी कुलीग शुभ्रा सुमन इस वक्त पूर्णिया से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। पूर्णिया का मतलब ये हो गया, अगर मैं गलत नहीं हूं शुभ्रा, आप सीमांचल में खड़ी हैं। सीमांचल का मतलब यह है कि जहां पर किशनगंज है, जहां पर अररिया है, जहां पर पूर्णिया है। अब पूर्णिया में ये कहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक बहुत ही ज्यादा निर्णायक भूमिका में रहता है। इस बार मुस्लिम मतदाता के मन में क्या चला है? और दूसरा मुझे ये भी बताएं कि क्या कोई गेम बिगाड़ भी सकते हैं महागठबंधन का असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में? बिल्कुल, पूरी कोशिश है राशिद। देखिए, आपने सीमांचल का जिक्र किया, किशनगंज अररिया का जिक्र किया, पूर्णिया में मौजूद हूं मैं, और किशनगंज और अररिया में जिस तरह से रैलियां हुई हैं अलग अलग नेताओं की, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, तमाम नेताओं ने सीमांचल को चुना। और यहां पर जिस तरह से आक्रामक दिखे हैं आखिरी फेज के पहले, जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट होता है उसका फाइनल होता है, ठीक उसी तरीके से ये आखिरी फेज जो है उसको फाइनल के तौर पर, फिनाले के तौर पर तमाम जो पार्टियां हैं वो देख रही थी। और इसीलिए हमने देखा कि इस फेज से पहले कैसे सीए एनआरसी का मसला यहां पर गूंजा। एक तरफ ये कहा गया कि कुछ लोग हैं जो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार पहले भी सीए को लेकर डिफेंसिव नजर आए हैं, बिहार विधानसभा में प्रस्ताव भी उसके अगेंस्ट पारित हुआ।
तो इसीलिए इसका मुद्दा जो है रैलियों में गूंजा। उन्होंने ये कहा कि भ्रम पैदा करने की कोशिश ना करें और किसी को भी देश से निकाला नहीं जाएगा। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ का अगर हम जिक्र करें तो उन्होंने फिर से एक बार घुसपैठियों का मसला उठा दिया और ये कहा कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, घुसपैठियों को देश के बाहर करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी का आपने जिक्र किया, वो भी अलग अलग जगहों पर जाके सीएए एनआरसी का मसला उठाते रहे हैं और उन्होंने दोनों ही पक्षों को घेरना शुरू किया, चाहे वो एनडीए हो या फिर कांग्रेस आरजे जी हो। उन्होंने कहा कि जब कुछ लोगों को घुसपैठिया कहा जा रहा था, सीमांचल में रहने वाले लोगों को घुसपैठिया कहा जा रहा था, बहुत बड़ी बात शुभ्रा आपने बोली है, ये बहुत बड़ी बात शुभ्रा आपने बोली है। और मैं चाहूंगा शुभ्रा आप मेरे साथ लगातार रहें इस डिबेट में भी, आप रहें और आप लाइव रिपोर्ट पिछले लगभग एक महीने से दिन रात एक करके आपने दी है, तिरहुत से लेकर के सीमांचल तक और मिथिलांचल से लेकर के कोसी तक आपने दौरा किया है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप रहेंगे। आपने सुना सईद अफजल अब्बास क्या कह रही थी, शुभ्रा सुमन जमीन पर मौजूद हैं। शुभ्रा ने यह बताया है कि अंतिम चरण के चुनाव से पहले जेडीयू और बीजेपी के बीच एक वैचारिक लड़ाई हो गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंच करके ये कह दिया बिहार के सरजमी पर घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे। नीतीश कुमार ने कहा किसी को भी बाहर नहीं निकाला जाएगा। क्या यह माना जाए कि अंतिम चरण आते आते ये विचारों की एक लड़ाई बीजेपी और जेडीयू के बीच आ पहुंची है और जो एनडीए को बहुत नुकसान पहुंचाएगी? देखिए जाहिर सी बात है हमारी पार्टी अलग है और बीजेपी अलग है, कई मुद्दे पे हमारे मतभेद रहे हैं लेकिन कई मुद्दे पे हम सहमत भी रहे हैं साथ। तो मेरा हमारा जब ऑलरेडी आप खुद ही कह रहे हैं कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया गया था तो इस तरह के बयान तो कोई सपोर्ट करने का कोई सवाल ही नहीं। हमारा स्टैंड क्लियर है, अगर योगी आदित्यनाथ आके यहाँ बोलते हैं तो ये उनका व्यक्तिगत बयान है या बीजेपी के बयान है ये अलग बात है। हम अपने स्टैंड में आज भी क्लियर है कि हम जो अमेरिका जो नीतीश कुमार ने कहा कोई भी नहीं जाएगा और इस भ्रम फैलाने की कोशिश ना किया जाए तो पहले ही बात वादा हो चुकी थी और इसको इलेक्शन में रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। असदुद्दीन ओवैसी भी इसी बात को दोहरा रहे इसीलिए कि हम मुसलमानों के हमदर्द रहेंगे इसे मुझे वोट दो। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कि असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम पॉकेट पे इस तरह की बात करके वोट देने की कोशिश कर रहे थे। एक चीज शुभ्रा एक चीज ये बताइएगा क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं और मैं चाहूंगा कि आप मेरे सवाल का जवाब भी दें और प्लस अपना कैमरा पैन करके हमें दिखाएं भी कि अभी पूर्णिया में क्या चल रहा है और पूर्णिया की बड़ी लड़ाई के बारे में भी बताएं आप। लेकिन एक चीज ये बताइएगा कि जो मुसलमान है कहते ही हैं कि एमवाई समीकरण जब भी आरजेडी बना लेती है तो उसके लिए गेम चेंजर साबित होता है, लेकिन एक मुसलमान के दिल में सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर, एनटीसीए प्रोटेस्ट को लेकर, योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर थर्ड फेज में उसके दिमाग में क्या चला है? देखिए राशिद, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में मैं गई, वहां पर भी गई जहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, मुस्लिम बहुल इलाके हैं और मैंने उनकी नब्ज भी टटोलने की कोशिश की। लेकिन अगर मैं कहूं कि बिहार की जनता चाहे वो किसी भी धर्म की हो चाहे वो किसी भी जाति की हो, इस बार जो रवैया रहा है सरकार का खासतौर से कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूरों को लेकर के, देखिए यहां से जाकर बाहर काम करने वाले तमाम लोग हैं उसमें हर समुदाय का हर जाति का आदमी है, वो जब वापस लौटा बिहार में तो सरकार का क्या रवैया रहा, नीतीश कुमार ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया वो उनके जहन में घूम रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने जब ये कह दिया कि भाई बिहार का डेवलपमेंट उस तरीके से इंडस्ट्रियल लिहाज से हम नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर समुद्र नहीं है आसपास, तो इस तरह के बयान चुभे हैं और वो किसी भी धर्म की हम बात करें, किसी भी जाति की बात करें, उनके जहन में ये मुद्दे चल रहे हैं। लेकिन हाँ, सीएए एनआरसी का मसला रहा है और उससे एज मिल सकता है पार्टियों को, ये योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं और इसीलिए वो जब भी यहाँ पर आ रहे हैं तो उन्होंने जिक्र किया इस मसले का, तो प्रभावित करने की कोशिश है और इससे ठीक है कुछ फायदा। शुभ्रा दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं, अंशुमन मोहन के पास भी जाना बहुत जरूरी है। अंशुमन मोहन, थर्ड फेज का इलेक्शन आते आते ऐसा क्यों लगने लगा कि तेजस्वी भी कुछ डरे हुए हैं और उनका डर जो है जेडीयू है बीजेपी से कहीं ज्यादा सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी का है और यही एक वजह है कि अपनी रैलियों में बार बार ये कहते हुए नजर आए कि देखिए अभी तक तो यही लोग थे अब ये भी आ गए हैं, कि आप लोग ये मान करके चल रहे हैं क्या कि आप लोगों के मुस्लिम वोट बैंक में असदुद्दीन ओवैसी सेंध लगा देंगे? मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बिहार का जो मुसलमान है, बिहार का मुसलमान कट्टरता की ओनी कोई लड़ाई नहीं चाहता, इधर का लोग, इधर का जितना है सब लोग समाजवादी संगठन है राष्ट्रीय जनता दल और शुरू से समाजवादी रही है और इसी के समर्थन में हर वक्त रहा है मुसलमान, क्योंकि लालू जी भी और
कई नेता आनंद मोहन जी भी हो गए लगातार मुस्लिम समुदाय की आवाज उठाने का काम किए हैं, और जितने भी है भारतीय जनता दल हो जाए या फिर अकबरुद्दीन ओवैसी हो जाए, ये सब लड़ाने का काम करते हैं, लड़ाने के नाम पे ये लोग वोट लेने का काम करते हैं। नहीं हर वो तो चलिए ठीक है, लड़ाने का काम करते हैं, लेकिन आपने बढ़ाने का काम कितना कर दिया, आपने बढ़ाने का काम कितना कर दिया अजय अरोड़ा जी, बिहार के मुसलमानों को बढ़ाने का काम कितना कर दिया। सुना है कि भागलपुर दंगे के बाद से बिहार के मुसलमानों ने कांग्रेस की तरफ मुड़ करके कभी देखा ही नहीं, 1989 के बाद से आप लोगों की तरफ मुड़ करके कभी देखा ही नहीं, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी बांटा, आप लोगों ने पहले भी आपके शासन काल में पहले भी दंगे कराए गए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने बांट कर अलग अलग नजरिए से अलग अलग चश्मे से देखा, कभी पसमांदा के चश्मे से देखा, कभी अगले के चश्मे से देखा, कभी पिछड़े के चश्मे से देखा, और बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने सिर्फ वोट बैंक के नजरिए से देखा, और इसीलिए किशनगंज हो, पूर्णिया हो, अररिया आप चले जाएं, हर जगह का मुसलमान सिर्फ एक ही बात कहता है कि हमें कांग्रेस पर भरोसा रही नहीं गया। देखिए मैं अभी बिहार रहा, बात की अमरोहा यहाँ बात किया आपने, मैं वहाँ खुद रहा और वहाँ के लोग वहाँ पे अभी भी वर्तमान में हमारे जो कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ रहे हैं और वो एक्स एमएलए है वहाँ पे। और जहाँ तक अररिया की दिक्कत की बात है, जहाँ तक चश्मे की बात की राशिद आपने, हमने चश्मा बिल्कुल ठीक पहना है, हमने अपने चश्मे से देखा, हमने चश्मे से देखा अररिया में किस तरह से बाढ़ आती है, सुनिए ना, नहीं ऐसा मत किया कीजिए अजय अरोड़ा जी, ऐसा मत किया कीजिए, मैं मुसलमानों की बात करूं तो आप जो है बाढ़ की बात मत किया कीजिए, जब बाढ़ की बात होगी ना तो मैं कोसी में चला जाऊंगा, और जब कोसी की बात होगी, शुभ्रा एक क्विक कमेंट आप दे दीजिए मुझे, चूंकि उसके बाद ब्रेक लेना है, कोसी में आपने क्या देखा है, बाढ़ की बात करना है, और जहां तक मेरा मानना है कोसी में सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित लोग रहते हैं, और बाढ़ के प्रभाव में ऐसे रहते हैं क्या आरजेडी, क्या कांग्रेस, क्या जेडीयू, क्या बीजेपी, किसी ने भी उनकी मदद नहीं की, और कोसी ही वो इलाका है, कोसी ही वो क्षेत्र है जहां पर प्रवासी मजदूर सबसे ज्यादा लौट करके आए हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा नाराज हैं और उनकी उम्मीद किसी से भी नहीं है। बिल्कुल देखिए यही विडंबना है बिहार की, और मैं यही आपसे कहना चाह रही थी जब आप पिछली बार आपसे बात हुई कि जहां जहां भी मैं कंस्टिट्यूएंसीज में गई, चाहे वो आरजेडी के विधायक वहां पर जीते हुए हो, मौजूदा विधायक अगर आरजेडी के भी हो, कांग्रेस की भी हो, और वहां पर जब आप लोगों से बात करेंगे जो कि मुस्लिम मतदाता है, तो वो यही कहते हैं कि बाढ़ में कोई मदद करने नहीं आया, राशन कार्ड अभी तक नहीं मिला, अगर राशन कार्ड मिला तो राशन नहीं मिला, और प्रवासी मजदूर जब लौट करके आए तो उनके लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए गए, और सरकार का उदासीन रवैया रहा। बाढ़ का आपने जिक्र किया, बाढ़ को लेकर मैंने अलग अलग जगहों पर लोगों से बात की, और इस क्षेत्र में खास तौर से लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार से उम्मीद थी, 5 साल तो उन्होंने काम किए, लेकिन उसके बाद जो वादे उन्होंने किए उसको लेकर के ढुलमुल रवैया रहा उनका, और ये उनके अगेंस्ट जा सकता है। लेकिन हाँ, मैं फिर से एक बार आपको कह रही हूँ कि दो बहुत महत्वपूर्ण मसले हैं जो नीतीश कुमार को एज दिला सकते हैं, वो एक बिजली जो गांव गांव में पहुंची है, सीमांचल के भी इलाकों में, मिथिलांचल के भी इलाकों में, जहां भी मैंने बात की लोगों से, उन्होंने कहा कि हाँ बिजली पहुंची है गांव गांव में, और इसका वो क्रेडिट कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को अगर देते हैं तो नीतीश सरकार को भी उसका क्रेडिट अपने आप मिल जाता है। और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है, वो भी नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर यहां पर लोग देखते हैं, और वो कहते हैं कि पहले से ठीक आपने कहा कि बिजली और लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर नीतीश कुमार एक एज लिए हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार को कई जवाब भी देने हैं। नीतीश कुमार को जवाब यह देना है कि एंटी इनकम्बेंसी में कहां यह भी गया इस वक्त में कि सिर्फ और सिर्फ अफसरों के नेता भर बन करके रह गए हैं, अफसरों के मुख्यमंत्री भर बन करके रह गए हैं। सृजन घोटाले पर क्या जवाब देंगे नीतीश कुमार, मुजफ्फरपुर कांड पर क्या जवाब देंगे नीतीश कुमार, और हां थर्ड फेज की लड़ाई आते आते अगर घुसपैठियों का राग छेड़ दिया यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार की सरजमी पर जाकर के, तो फिर बाकी मुसलमानों को क्या नीतीश कुमार मना पाएंगे या नहीं। और बार बार मैं एक ही बात कहूंगा, नीतीश कुमार ने अगर अंतिम लड़ाई का दांव खेला है तो अंतिम लड़ाई आखिरकार कितनी ज्यादा कारगर साबित होगी, लेकिन याद रखिएगा 15 जिले हैं, 78 विधानसभा सीटें हैं, अब से ठीक 9 घंटे के बाद देश का सबसे सटीक एग्जिट पोल, जब आप यह जान जाएंगे कि बिहार में 10 नवंबर को एक अणे मार्ग पर किसकी सरकार आखिरकार बैठने जा रही है, मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा।